मछली पालन के लिए हम लोग मछली पालन में सबसे ज्यादा जोर इसलिए देते हैं क्योंकि इस कल्चर में प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा रहता है। हम लोग अगर एग्रीकल्चर खेती करेंगे, गेहूं उगाएंगे, मक्का उगाएंगे, उससे जितना प्रॉफिट होता है हम लोगों को, उससे कहीं गुना ज्यादा जो मछली पालन में लाभ होता है और लॉस होने का चांसेस बहुत कम रहता है अगर आप थोड़ा सा भी पॉन्ड को मेंटेन करके रखे तो। ठीक है, एक्वाकल्चर का और एक इम्पोर्टेंट चीज है, आपका जिस पॉन्ड में आप कल्चर कर रहे हैं हर दिन उस पॉन्ड का आप नजर रखिए। आप देखिए उसका कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हर दिन उसको मैनेज करके रखिए, देखते रहिए कि पॉन्ड का सिचुएशन क्या है। आपके तालाब के पास हर दिन जाके देखिए। ठीक है, और भी बहुत सारे कुछ चीज होते हैं। दूसरा चीज जो होता है पॉन्ड में, चूना का उपयोग। चूना का उपयोग हम लोग बोलते हैं खाने में जैसे नमक, और वैसे तालाब में ऐसे चूना का उपयोग। ठीक है, मंथ में हर एक बार तालाब में चून का उपयोग करने से क्या होता है, तालाब के नीचे जो माल जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिकम्पोज होने में इजी होता है। और पॉन्ड का दो चीज होता है पॉन्ड में, एक होता है आपका ऑक्सीजन और एक होता है आपका पीएच, जो फिश स्टॉकिंग होता है। हम लोग जो एक अच्छे से एक्वा कल्चर का जो मेन जो चीज होता है वो होता है आपका पॉन्ड मैनेजमेंट। पॉन्ड मैनेजमेंट में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज है, कौन कौन सा स्पीसीज आपको सिलेक्ट करना, कैसे आपको कौन सा स्पीसीज आप डाल रहे हैं, उस स्पीसीज को कितना संख्या में आप स्टॉक कर रहे हैं, आप एकक प्रजातियों का पालन कर रहे हैं कि एक से ज्यादा प्रजातियों का पालन कर रहे हैं, जब मछली ला रहे हैं उसको ठीक से आप एक्लिमेटाइज करके आपके तालाब में छोड़ रहे हैं, उसके बाद हर दिन उसको खाना खिलाना, जो पॉन्ड का कंडीशन है वो सब देख रहे हैं, उसके ऊपर आपका फिश कल्चर का जो प्रॉफिट है वो डिपेंड करते हैं। तो पहला जानना होगा हम लोगों को, हम लोग जो कोई भी तालाब में मछली छोड़ेंगे उससे पहले हम लोग को जानना होता है कौन सा मछली कहाँ पे रहता है। जितना हम लोग का साइंटिफिक कल्चर होता है वो होता है आपका पॉन्ड का जो तीन हिस्से, ऊपरी भाग, मध्यम भाग और नीचे का सतह, उस तीन सतह में मछली रहता है। जो आपका मछली होता है कतला मछली, वो ये देखिए स्क्रीन में जो आपका फिश विजिबल है दैट इज आपका कतला मछली। कतला मछली जो है वो आपका तालाब के ऊपरी भाग में रहता है। वो क्या खाता है, जू प्लैंक्टन। पॉन्ड में जो नेचुरल फूड जो होता है ना, नेचुरल फूड दो तरीके का होता है, एक होता है फाइटोप्लैंक्टन मतलब उद्भिद कणा, और एक होता है जू प्लैंक्टन मतलब प्राणी कणा। ये दोनों का बैलेंस में कब तालाब में नेचुरल फूड होता है। ठीक है, कतला का जो नेचुरल फूड है वो है आपका जू प्लैंक्टन। वैसे ही सेम और एक मछली जो ऊपरी भाग में रहता है वो है आपका सिल्वर कार्प। ठीक है, और सिल्वर कार्प जो खाता है वो आपका फाइटोप्लैंक्टन एल्गी खाता है। आपको पहले ही क्लास में आपको बोला है कौन कौन सा देसी मछली है, कौन कौन सा विदेशी मछली। जो सिल्वर कार्प है वो आपका विदेशी मछली है। अगर आप कतला और सिल्वर कार्प को तालाब में समान संख्या में डालेंगे, सपोज 100 कतला और 100 सिल्वर कार्प डाल देंगे, तो आप नेचुरली देख पाएंगे आपका कतला का ग्रोथ कम हो रहा है। ये सब चीज आपको अब ध्यान रखना होगा। अगर आप तालाब में कतला के साथ सिल्वर कार्प डाल रहे हैं तो सिल्वर कार्प कम डालना होता है, कतला ज्यादा डालना होता है। कतला जो मछली है आपका तालाब के ऊपरी भाग में रहता है। दूसरा मछली, और हम लोग को मछली कैसे सिलेक्ट करना है, जिस मछली का बाजार में दाम है और जिस मछली का चारा आपका नजदीक में अवेलेबल है, उसके हिसाब से आपको कौन सा प्रजातियों का मछली अपना तालाब में छोड़ेंगे ये देखना होता है। जिस तालाब का गहराई कम है उसमें आप कम प्रजातियों का मछली छोड़ेंगे, संख्या न एक एक प्रजाति की एक दो प्रजाति छोड़ेंगे। जिस तालाब के गहराई ज्यादा है, कम या ज्यादा कितना है वो मैं बोलूंगा बाद में। सपोज अगर 3 से 4 फीट की, 3 से 5 फीट गहराई है, उधर आप
कम प्रजातियों का मछली चयन करेंगे, जहां पे आपका जिस पॉन्ड में आपका गहराई 6 फीट 8 फीट 9 फीट तक है, उधर आप 3, 4, 5, 6, 7 इतना प्रजातियों का मछली का चयन करेंगे। वो भी किस भाग पे मछली का बाजार में दाम और उसका चारा का अवेलेबल होना, ठीक है। जो कतला मछली है उसका, उस मछली का दाम मार्केट में ज्यादा है सिल्वर कार्प से, तो आप कतला मछली ज्यादा छोड़ेंगे। वैसे जो रोहू मछली है इसका भी मार्केट प्राइस अच्छा है, ये मछली आपका तालाब के मध्यम भाग में रहता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका मृगल। मृगल जो मछली है, कतला, रोहू और जो जो मछली तालाब के निचली भाग में रहते हैं, ये मछली आपका तालाब के निचली भाग में रहता है। जो मछली आपका तालाब के निचली भाग में रहेगा उसका ग्रोथ रेट, मतलब उसका बढ़ना साल में कंपैरेटिवली कम होगा रोहू और कतला से, ठीक है। अगर रोहू कतला आपका एक साल में 1 किलो 800-900, 1 किलो 500 होगा, तो मृगल आपका लगभग 400 या 300 ग्राम तक ही होता है, इससे ज्यादा साल में नहीं होता है, 600-650 तक होता है। कंपेरेटिवली ग्रोथ रेट जो मछली नीचे रहता है उसका कम होता है, ठीक है। अभी आपको तीन मछली के बारे में बोला, कतला, रोहू और मृगल। अगर तालाब में इस तीन मछली को छोड़ना है तो आपको एक रेशियो होता है 4:3:3, मतलब चार, अगर 10 मछली छोड़ेंगे तो 4 मछली कतला का छोड़ेंगे, 3 मछली रोहू का छोड़ेंगे, 3 मछली मृगल का छोड़ेंगे, ओके। तो अब क्वेश्चन आता है, अगर मेरे पास 1 हेक्टेयर का पॉन्ड है और 1 एकड़ का पॉन्ड है तो मैं कितना छोड़ूंगा, ठीक है। अगर आपके पास 1 हेक्टेयर का पॉन्ड है, उसमें जो हम, मैं अभी जो जिस मछली का बात कर रहा हूँ उसको हम लोग फिंगरलिंग बोलते हैं, मतलब अंगुली का साइज, जिसका लेंथ होता है आपका 50 से 150 मिलीमीटर और वजन में 10 से 20 ग्राम साइज का मछली, ठीक है। 10 ग्राम साइज का मछली मतलब 100 लाइन का मछली, 1 किलो में आपका 100 मछली आएगा। उस साइज का मछली अगर हम लोग छोड़ेंगे तालाब में तो 1 हेक्टेयर में 8,000 से 10,000 मछली हम लोग छोड़ते हैं। उस मछली को हम लोग 7 से 8 मंथ 9 मंथ तालाब में रखते हैं और उसका हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब 1 हेक्टेयर मतलब आपका 10,000 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 1 मछली, समझ में आया। अगर अभी 3 प्रजातियों का मछली छोड़ेंगे तो हम कतला 4,000 छोड़ेंगे, रोहू 3,000 छोड़ेंगे और मृगल 3,000 छोड़ेंगे, अगर 10,000 मछली छोड़ रहे तो। अभी और भी एक चीज आता है, तो वो आप बोलेंगे तो ये मछली तो बहुत कम है, एक साल तक हम लोग इतना मछली, अगर आपके पास लगता है कि आप साल में 3 बार उसी तालाब से 3 बार आप हार्वेस्टिंग करेंगे, ये सिचुएशन तब होता है जब आप जनरली हार्वेस्टिंग कम करते हैं। अगर आप लोग 2 मंथ में 1 बार हार्वेस्टिंग करेंगे और जो एक्स्ट्रा कुछ मछली आप बाजार में बेचना चाहते हैं फिंगरलिंग के हिसाब से, कि आप जो 200 ग्राम साइज का मछली अगर बेचना चाहते हैं, तब आप थोड़ा सा स्टॉकिंग डेंसिटी ज्यादा कर सकते हैं, तब आप 14,000 तक छोड़ सकते हैं। अगर आप एक बार ही मछली छोड़ दिए, बीच में सिर्फ एक बार मछली पकड़े और लास्ट में 1 बार हार्वेस्टिंग किए, तो 10,000, अगर 2-3 बार करेंगे तो 14,000 मछली आप छोड़ सकते हैं, मतलब लगभग 140 किलो। अगर हम लोग 100 किलो या 140 किलो मछली छोड़ेंगे तो अगर आप ठीक से पॉन्ड को मेंटेन करेंगे तो साल भर, 1 साल के बाद आपको लगभग मोर देन 4 टन के मछली आएगा, 4 से 5 टन ठीक से, अगर हम लोग थोड़ा ठीक से मेंटेन करना मतलब क्या है वो आपको बोलूंगा। ठीक से अगर आप लोग मेंटेन करेंगे तो आप 100 किलो या 140 किलो मछली छोड़ के लगभग 4,000 से 5,000 किलो तक मछली निकल पाएंगे। तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर पाएंगे, अगर आप 4,000 किलो मछली आपका आएगा तो उसका मार्केट वैल्यू अगर 100 रुपये का भी किलो होगा तो 5 से 6 लाख रुपये आपको आएगा, ठीक है, 1 हेक्टेयर में। अभी इस कल्चर में जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेटली एक्सटेंसिव, इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है,
अगर आपके पास एक बड़ा तालाब है लगभग 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर 1 एकड़, उसमें आपको पानी रहता है लगभग 6 फीट, तो आप उसमें 3 स्पीसीज का कल्चर कर सकते हैं। और उसका कैसे है, ऊपरी भाग में 4 मछली, मध्यम भाग में 3, निचली भाग में 3। अभी ये और कितना मछली छोड़ना है ये आपको पता, आइडिया हो गया ना, लगभग 1 हेक्टेयर पॉइंट का। ठीक है, कुछ कुछ बेस अगर मैं आप बोल सकते हैं, अच्छा मैं 14,000 ना छोड़ के और 10,000 ना छोड़ के 30,000 मछली भी छोड़ सकता हूँ। 30,000 मछली हम लोग छोड़ सकते हैं। जैसे कि इस ट्रेनिंग को हम लोग 100 लोग का ट्रेनिंग ना करते हुए 1,000 लोग का भी ट्रेनिंग कर सकते थे। उसमें क्या होगा, तो बहुत लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जब हम क्लास लेंगे तब अटेंडिव नहीं रहेंगे, उल्टा सीधा क्वेश्चन करेंगे, तो क्या होगा, क्लास में हैम्परिंग होगा। वैसे ही अगर हम लोग उसी पॉन्ड में ज्यादा मछली को छोड़ेंगे तो उसके अंदर में मारपीट होगा, खाने के लिए प्रॉब्लम होगा, ज्यादा मछली रहेगा तो ज्यादा मल त्याग करेगा, तो जो तालाब का जो पानी है, पानी तो फिक्स है ना, पानी जल्दी खराब होगा, उसके बाद आपका तालाब में रोग आएगा। हम लोग संख्या इसीलिए निर्धारित किए हैं, अगर इस साइज का मछली इस संख्या में हम लोग छोड़ेंगे तो मछली स्वास्थ्य हेल्दी रहेगा, ठीक से घूम पाएगा, खाने के लिए उसका प्रॉब्लम नहीं होगा, घूमने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छे से रह पाएगा। इसलिए हम लोग जो नंबर है वो हम लोग फिक्स करते हैं। आप कुछ भी चीज ज्यादा खिला सकते हैं, आप ज्यादा खाएंगे तो हजम का प्रॉब्लम होगा, आप ठीक से खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सब बात। इसलिए हम लोग साइंटिफिक पॉन्ड कल्चर मतलब सटीक संख्या में हम लोगों को मछली छोड़ना है और ठीक से उसको खाना खिलाना है। उसका जो पानी है, पानी का, पानी में दो चीज है मेन, दो चीज जो फार्मर्स को देखना है, पीएच और ऑक्सीजन, वो ठीक रहेगा, पीएच ऑक्सीजन को देख के रखना है, और उसको नेचुरल फूड देखना है कि उसका नेचुरल फूड ठीक है कि, और उसको सप्लीमेंटरी थोड़ा सा फीड खिलाना, यही आपका पॉन्ड कल्चर का मेन थिंग है। और एक चीज है, मैं दो चीज, एक चीज आपको पहले ही बोला हूँ, खाने में जैसा नमक, एक्वा कल्चर जैसे तालाब में चूना, और एक चीज हर मंथ में एक बार आपको नेटिंग करना है। नेटिंग करने से आपको क्या फायदा होगा, जब हम नेटिंग करेंगे तो मछली दौड़ेगा, दौड़ेगा तो उसका उसका जो मेटाबॉलिज्म होगा वो ज्यादा होगा, उससे आपका मछली का ग्रोथ अच्छा होगा। और क्या होगा, अगर मछली में कोई प्रॉब्लम है, कोई रोग है, कोई घाव है, हम अगर नेटिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट कर पाएंगे। अगर ऐसा होगा कि आप मछली छोड़ दिए, कुछ ध्यान नहीं दिए, तो मछली का क्या रोग होगा, क्या होगा, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लास्ट में थोड़ा सा मछली आपको मिलेगा, लॉस नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, और आपका लाभ भी नहीं होगा। और अगर आप थोड़ा सा, इसमें खर्चा ज्यादा नहीं है, आपको सिर्फ जाल देना होगा, थोड़ा सा खाना खिलाना होगा, और जो पानी का पानी देखना होगा। ठीक है, अभी आते हैं दूसरा मछली। अगर आप 3 से ज्यादा, अगर आपके पास पॉन्ड थोड़ा सा बड़ा है, लगभग आपको 1 हेक्टेयर का पॉन्ड है, नहीं तो 0.7 हेक्टेयर का पॉन्ड है, और उसका गहराई ठीक ठाक है, तो उसे 3 से ज्यादा मछली भी हम लोग पालन कर सकते हैं। नहीं तो एक मछली को ना डालते, दूसरा, सपोज आपका एरिया में मृगेल मछली का डिमांड ज्यादा नहीं है, मार्केट में उसका डिमांड ज्यादा नहीं है, कि मृगेल के साथ आपका बाटा बोल के एक मछली होता है, उस मछली का डिमांड है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप स्पीसीज को चेंज भी कर सकते हैं। ये मछली है आपका सिल्वर कार्प। सिल्वर कार्प जो मछली है, ये मछली तालाब के ऊपरी भाग में रहता है, तो ये मछली फीड में कतला के साथ कंपटीशन करेगा। और ये विदेशी मछली, विदेशी मछली कौन कौन सा है, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, अमेरिकन रोहू जिसको बोलते हैं, कॉमन कार्प जिसको बोलते हैं, वो विदेशी मछली। तो सिल्वर कार्प अब जब छोड़ेंगे तब आप कतला से बहुत कम छोड़ेंगे, अगर आप 400 कतला छोड़ेंगे तो 100 सिल्वर कार्प छोड़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आता है आपका ग्रास कार्प। जिस तालाब में
आपका पाड़ में घास होता है, ठीक है, उस तालाब के लिए ग्रास का आदर्श है। इसका भी सेम, ये मछली तालाब के मध्यम भाग में रहता है और इसको हम रोहू को थोड़ा सा घटा के ग्रास कार्प को छोड़ सकते हैं। ग्रास कार्प का ग्रोथ सबसे ज्यादा होता है और मार्केट वैल्यू रोहू से कम है, तो हम लोग अगर 1000 मछली में अगर 300 मछली रोहू छोड़ते हैं, 300 के जगह हम लोग 200 रोहू छोड़िए, 100 आप ग्रास कार्प छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपका पॉन्ड कैसा है। अगर उस पॉन्ड में घास है तो आप उसमें ग्रास कार्प डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कॉमन कार्प। ये मछली आपका तालाब के निचले भाग में रहता है, जो आपका मृगल मछली है, मृगल मछली को घटा के कॉमन कार्प को भी डाल सकते हैं। कोई भी विदेशी मछली का ग्रोथ देसी मछली से ज्यादा होता है, पर कभी भी विदेशी मछली देसी मछली से ज्यादा हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हम लोग सर, कॉमन नंबर में कार्प के कम। बारे में बताया गया। हाँ, ये कॉमन कार्प है। कॉमन कार्प कल्चर का एक प्रॉब्लम भी है, कॉमन कार्प अगर आप तालाब में छोड़ेंगे तो पहाड़ को थोड़ा सा ये नष्ट करता है, तो कॉमन कार्प का संख्या भी हम कम छोड़ेंगे। आपको एक रेशियो बोला ना, 4:3:3, जो तीन, फोर मतलब चार मछली आपका ऊपरी भाग में, तीन मछली मध्यम भाग में, तीन मछली निचले भाग में। उसी तीन मछली जो निचले भाग में होगा उसमें आप दो मृगेल एक कॉमन कार्प छोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे हिसाब से आपको मछली छोड़ना होता है। ये छोड़ अभी और भी ज्यादा, और भी बहुत सारे मछली है जिसका एरिया अभी बिहार में अभी उसका मार्केट प्राइस और डिमांड ज्यादा है, जैसे चाइना पुटी। चाइना पुटी भी पॉन्ड के निचले भाग में रहता है और इसका ग्रोथ रेट भी अच्छा है, तो आप चाइना पुटी भी डाल सकते हैं। कुछ भी डालिए, आपको ध्यान में रखना होगा जो तालाब में मैक्सिमम नंबर आपका 10 से 14 हजार एक होना मिनट सर, चाहिए, ठीक है। सर एक मिनट सर, 1 एकड़ का तालाब अगर है जी, 1 एकड़ का तालाब है। हाँ अगर 7 से 8 फीट पानी अगर है उसमें, हाँ कितने प्रकार की मछली डाल सकते? आप 5 से 5 6 6 से ज्यादा भी डाल सकते हैं, पर संख्या आपका सीमित होगा। 1 एकड़ कौन कौन मतलब मतलब आपका, हाँ आपको, आप सुन लीजिए मेरे बात, 1 एकड़ मतलब आपका 4 लगभग 4,000 मीटर स्क्वायर, मतलब आप 5 से 6 हजार मछली, 4,000 4 से 5 हजार मछली छोड़ पाएंगे, ठीक है। अब इस 5 हजार में अब 4:4:3:3 का रेशियो लगाइए, तो 5 हजार में 4:3:3 के रेशियो से आप कतला छोड़िए, रोहू छोड़िए। अगर आप 1 एकड़ पॉन्ड है मतलब आपका, और 4 8 फीट गहराई है मतलब आप 4 5 6 प्रजातियों का मछली छोड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीकल्चर, ठीक है। कौन-कौन प्रजाति? कतला छोड़ सकते हैं, रोहू छोड़ सकते हैं, मृगल छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप पे थोड़ा सा एल्गी का प्रॉब्लम है, आपका पॉन्ड में एल्गी ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप सिल्वर कार्प छोड़ दीजिए, थोड़ा सा ग्रास कार्प छोड़िए। अच्छा, मृगल के साथ आप बाटा को छोड़िए, चाइना पुटी को छोड़िए, ओके। गहराई ज्यादा है तो मैं आपको जो सिंगी मागुर है वो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अभी 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 मैं बाद में बोल रहा हूँ, सिंगी और मागुर के बारे में भी आपको बोलूंगा, ठीक है। ठीक है सर, आप सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, आपका पॉन्ड का जितना एरिया है उस एरिया का संख्या में, सपोज 1 एकड़ मतलब आपका 4,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो आप 4 से 5 हजार मछली छोड़िए। अगर आप हर 2 मंथ में एक बार हार्वेस्टिंग करके निकाल देंगे, उस समय आप थोड़ा सा ज्यादा मछली मतलब आप 6 से 7 हजार मछली डाल सकते हैं। मल्टीपल स्टॉकिंग, मल्टीपल हार्वेस्टिंग अगर करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप एक ही बार छोड़ेंगे और लास्ट में आप हार्वेस्टिंग करेंगे, बीच में एक बार कर सकते हैं, तो आप 5 हजार मछली डालिए उसमें, क्लियर। अगर सर, अगर 2 महीने 3 महीने अगर मछली निकालते क्या सर मुनाफा होगा कि? हाँ, तब अगर आप 2 से 3 महीने बाद अगर आपका एरिया में जो छोटा मछली मतलब कोई दूसरा लोग कल्चर कर रहे हैं, जो आपका फिंगर एडवांस फिंगरलिंग का डिमांड है, क्योंकि 2 मंथ के बाद जो मछली है वो तो मार्केट में मतलब खाने के लिए वो उतना उसका मार्केट वैल्यू कम होगा ना, पर अगर कोई उसी मछली को कल्चर करेगा तो उसका प्राइस ज्यादा, 2 मंथ में उसका ग्रोथ और 30 ग्राम 30 ग्राम हो जाता है। तो अगर कोई दूसरा लोग उसको छोड़ने के लिए कल्चर कर रहा है आपके एरिया में,
जब फिंगरलिंग का डिमांड ज्यादा है, ठीक है, फिंगरलिंग मतलब अंगुली का साइज, मतलब 10 से 25 ग्राम का मछली का साइज अगर आपका एरिया में डिमांड है तो आप थोड़ा सा स्टॉकिंग ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मतलब नहीं, जैसे कि मार्केट में बेचने के लिए सर, जैसे कि अगर 2 महीना 3 महीना निकाल के अगर मार्केट में बेचना चाहें, 2 महीने में आपको मार्केट वैल्यू क्या आता है, मार्केट वैल्यू 2 महीने में, 6 मंथ के बाद ही उसका मार्केट वैल्यू ठीक ठाक आता है। 500 ग्राम का अगर आपको, अगर आप 100 ग्राम का रोहू का मार्केट में कोई वैल्यू है, 600 ग्राम का रोहू का मार्केट में वैल्यू है जी सर। हाँ, 100 ग्राम मछली का, 100 ग्राम या 50 ग्राम मछली का डिमांड किसको होगा, जो दूसरा कोई फार्मर अगर आपसे मछली लेके मछली पालन कर रहा है तो ठीक है। 100 ग्राम हाँ बोलिए, सबसे ज्यादा ग्रोथ करने के लिए कौन से दवा का यूज करना होगा सर? सॉरी, इसको अगर सबसे ज्यादा ग्रोथ के लिए यानी बढ़ाने के लिए कौन सी दवा का यूज करना होगा? कोई भी मछली पालन, एक बार ध्यान में रखिए, मछली पालन में दवा का उपयोग कम करें, ठीक है। हम लोग जो नॉर्मल रहते हैं, हम लोग क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, उसी से हम लोग, तो अगर दवाई हम लोग कब लेते हैं, जब हम लोग का प्रॉब्लम होता है, ऐसे हम लोग दवा ऐसे यूज नहीं करते। आप ठीक से पॉन्ड को मेंटेन करेंगे, हर मंथ में एकर में जब आप मछली का पालन कर रहे हैं तो पीएच के हिसाब से 1 एकर में 10 से 12 किलो चूना डालिए, और उसके नेक्स्ट दिन, ठीक है, जिस दिन चूना डालेंगे, चूना डालने के लिए 4 घंटे भिगोना होता है, 4 घंटे भिगो के आप उसको अर्ली मॉर्निंग चूना दीजिए, फिर आप तालाब में चूना देंगे, उसका नेक्स्ट दिन जाल टान के देखिए, मछली का स्वास्थ्य देखिए। जाल टानने से क्या होगा, जो चूना है वो पॉन्ड के मिट्टी के साथ मिक्स भी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग चूना घोल के देते हैं तो आपके तालाब के मिट्टी के ऊपरी भाग में वो बैठ जाता है, इसीलिए आपको नेक्स्ट दिन अगर आप जाल टानेंगे तो मिट्टी के साथ भी चूना मिक्स हो जाएगा, तो पीएच आपका मेंटेन करने में आसान होगा। और उसी के नेक्स्ट दिन आप जाल टान के देखिए जो आपका मछली का हेल्थ कैसा है, मछली का ग्रोथ ठीक से, ग्रोथ ठीक से होने के लिए आप 4-5 मछली का वजन लीजिए, जो एवरेज बॉडी वेट देखिए ग्रोथ कैसा हो रहा है, अगर ग्रोथ कम हो रहा है तो किस लिए हो रहा है, ग्रोथ कम हो रहा है तो आपका नेचुरल फूड ठीक है कि नहीं है, ठीक है। बाटा मछली भी तालाब के निचले भाग में रहता है, तो अगर आपके पास बाटा का सीड अवेलेबल है मार्केट में, बाटा का जो चारा होता है वो अगर अवेलेबल है तो आप बाटा को भी डाल सकते हैं। इसको बोलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। अगर एक तालाब में आपके पास 1 एकड़ का तालाब है, कुछ भी ना सोच के आप सिर्फ कतला छोड़ देंगे तो उसका आपका तालाब का जो मध्यम और निचले भाग का हिस्सा वो यूज नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग साइंटिफिक कल्चर मतलब तालाब का तीनों भाग को यूज करना, उसमें ठीक से मेंटेन करना, ये सब चीज आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आ जाता है आपका मागुर का मछली का, मागुर मछली का पालन भी हम लोग पॉलीकल्चर कर सकते हैं, सबसे अच्छा है मोनोकल्चर। अगर आपके पास जो तालाब है उसका गहराई 3 से 5 फीट है, ठीक है, और उसका एरिया है आपका पॉइंट 1 एकड़, आधा एकड़ का तालाब है, और उससे भी छोटा 0.1 हेक्टेयर का अगर पॉन्ड है आपके पास, जिसमें आपका साल भर पानी नहीं रहता है, 3 से 4 मंथ की 5-6 मंथ पानी रहता है, जिसका गहराई कम है, उधर आप मागुर मछली का पालन कर सकते हैं, ठीक है। मागुर मछली अगर पालन करेंगे, इसका स्टॉकिंग, अगर एक प्रजातियों का स्टॉकिंग करेंगे, इसका स्टॉकिंग डेंसिटी हाई है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में इसको हम लोग 5 मागुर का सीड, 5 सेंटीमीटर जो मागुर, मतलब 50 मिलीमीटर का जो मागुर का चारा होता है, थोड़ा सा बड़ा चारा, उसको हम लोग 1 हेक्टेयर में 50,000, उसमें क्या था 7 से 10 हजार था ना रोहू कतला का, इसको आप 1 हेक्टेयर में 50,000 चारा हम लोग दे सकते हैं। उसका क्या था, उसका क्योंकि उसका ग्रोथ रेट ज्यादा था, मागुर आप देसी मागुर, एक होता है देसी मागुर, एक होता है आपका अभी थाई मागुर आ गया है, ठीक है। देसी मागुर का जो ग्रोथ होता है वो आपका 6-7 मंथ में 180-200 ग्राम तक होता है, ठीक है, 130-140-200 ग्राम तक होता है। और जो थाई मागुर है वो आपका बिहार में बैन है, थाई मागुर आप कल्चर नहीं कर सकते हैं, इसको राक्षस मछली बोलते हैं, क्योंकि ये मछली जो थाई मागुर है
दूसरा नेटिव जो स्पीसीज है उसको खा जाता है और ये आपका बायोडाइवर्सिटी के लिए हानिकारक है, तो आप थाई मागुर का कल्चर मत करिए। तो थाई मागुर और देसी मागुर को हम लोग कैसे पहचानेंगे? देसी मागुर का जो सुप्रा ऑसिपिटल मतलब हेड का जो पोर्शन है, इधर देखिए जब मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये आपका वी शेप होता है, और जो थाई मागुर होता है जो गैरिपिनस बोलते हैं जिसको, इसको हम लोग बोलते हैं क्लैरियस वेट्रिकस, ये है क्लैरियस गैरिपिनस, इसमें एक डब्ल्यू शेप रहता है। आप बोलेंगे हर वक्त ऐसे देखना तो पॉसिबल नहीं है, जो थाई मागुर होगा उसका हेड बॉडी के हिसाब से बड़ा होगा, ठीक है, जो आपका देसी मागुर होगा उसका बॉडी और हेड का जो ये है ऐसे ठीक ठाक होगा, और जो थाई मागुर होगा उसका हेड बॉडी से बड़ा होगा। आप नेक्स्ट बार जब देखेंगे मार्केट में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, थाई मागुर मतलब आपका बॉडी के हिसाब से हेड थोड़ा सा बड़ा और कलर आपका ग्रेइश कलर, और जो देसी मागुर होता है उसका थोड़ा सा ग्रीनिश कलर रहता है, ठीक है। थाई मागुर बैन है, अगर मागुर कल्चर करेंगे ठीक है तो आप एक हेक्टेयर में 50,000 मागुर डाल सकते हैं, और अगर तालाब का गहराई 6 से 7 फीट है, अगर आप रोहू कतला के साथ भी देते हैं तब रोहू कतला के साथ रोहू कतला का जितना स्टॉकिंग डेंसिटी है उसको थोड़ा सा घटाइएगा, तब एक हेक्टेयर है तो रोहू कतला 6,000 डालिए और जो आपका मागुर है वो एक हेक्टेयर में 10,000, उसका भी 10,000 थोड़ा सा कम 7,000, मतलब आपका रोहू कतला के साथ आप मागुर का भी पालन कर सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करेगा, मैं इधर ऑनलाइन में आपको बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि आप कुछ भी डाल दें, कभी भी आप मछली पालन करेंगे तो आप एक बार एक्सपर्ट को अपना पॉन्ड दिखा के कल्चर शुरू करिए, ठीक है। कोई भी आपका नजदीकी एरिया में कोई फिशरी ऑफिसर होगा, कोई भी होगा तो एक मिनट सर, हाँ, जैसे कि 6 से 7 फीट पानी अगर है सर तालाब में, हाँ, 4-5 प्रकार का मछली अगर पाल रहे हैं हम, तो उसके साथ ये देसी मांगुर पाल सकते हैं क्या? आप देसी मांगुर पाल तभी पाएंगे क्योंकि आपका अगर देसी मांगुर हार्वेस्टिंग का अगर आपको बाद में आपका पानी का गहराई बढ़ गया और आपको पानी देसी मांगुर हार्वेस्टिंग करने के लिए आपको पानी निकालना पड़ेगा पूरा, तो आपके पास वो सुविधा होना चाहिए, नहीं तो आप बोलेंगे मैं तो आपके बात सुन के देसी मांगुर डाल दिया, अभी मछली निकल नहीं पा रहा हूँ, पानी गहराई हो गया, पानी को अगर निकाल देंगे तो पानी का सोर्स नहीं है आपको, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप कुछ भी करेंगे तो एक बार एक्सपर्ट को आपका पॉन्ड दिखा दीजिए, कोई भी फिशरी ऑफिसर होगा डिस्ट्रिक्ट में नहीं तो आपका ब्लॉक में, उसको दिखाइएगा। नहीं सर, अगर पानी निकालने का कोई जरिया अगर है, हाँ, तो आप कर सकते हैं, पानी निकाल सकते हैं हम, तो क्या उसके साथ एक एकड़ के तालाब में हम कितना डाल सकते हैं सर रेहू कतला के साथ? रेहू कतला के साथ आप 9,000 डाल सकते हैं, रेहू कतला आप 7,000-6,000 डालिए, ठीक है, 6,000 रेहू कतला डालिए, उसके साथ 9,000 मांगुर डाल सकते हैं। मांगुर की सिंगी सर, सिंगी की मांगुर जी, अगर आप सिंगी मांगुर डाल रहे हैं, सिंगी मांगुर तालाब के निचली भाग में रहता है, तो आप जो निचली भाग का जो मछली है उसको आप नहीं डालेंगे, निचली भाग का मछली जैसे मृगेल वाटा उसको आप कम डालिएगा, ठीक है। तो अभी सर डाला हुआ मेरा मछली है सर, 3-4 महीना हो चुका सर डाला हुआ है सर, रेहू कतला मिर्का ये सब डाला हुआ सर, तो उसके साथ हम ये डाल सकते हैं क्या अभी? तब अगर मृगेल आपने डाला है तो आप थोड़ा सा कम डालिए, मागुर डाल सकते हैं थोड़ा सा कम डालिए, ठीक है जी। संख्या में तब 1 मीटर स्क्वायर में हाफ मतलब 5,000 डाल सकते हैं, 4,000 अभी मोटा मोटी 5-6 फीट पानी है सर, तो क्या डाल सकते हैं अभी? हाँ, थोड़ा सा कम डाल के देखिए, ठीक है, क्योंकि आप इधर से तो मैं आपको पॉन्ड नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं आपको ऐसे रिकमेंड नहीं बोल सकता, आप कर सकते हैं पर एक बार किसी को दिखा दीजिएगा, ठीक है, ठीक है सर। देसी मांगुर सर कैटफिश होता है ना? हाँ, कैटफिश होता है, कैटफिश को आईएमसी के साथ कल्चर करते हैं, मछली को नहीं खाएगा सर? नहीं नहीं नहीं, देसी ये दूसरा मछली को नहीं खाएगा, देसी मांगुर जो है वो आपको दूसरा मछली को नहीं खाएगा, क्योंकि मेरा बात सुन लीजिए, जो आप रोहू कतला छोड़ेंगे उसका साइज होगा 10 ग्राम का, और जो आप सिंगी मागुर छोड़ेंगे उसका साइज होगा आपका 3-4 ग्राम का, और 6 मंथ में आपका रोहू कतला 600-700 ग्राम होगा, 6 मंथ में आपका देसी मागुर सिर्फ 100 ग्राम होगा, ठीक है। तो देसी इसके मागुर साथ सर फंगास मछली डाल सकते हैं सर? नहीं नहीं नहीं, अभी पांगास के बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पांगास के बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका कुछ रीजन है, रुक जाए, अभी जितना तक बोला हूँ उतना क्लियर है ना आपके? आपका जी सर, ओके सर,
सर बोल रहे थे कि हम अभी छोड़े हुए हैं ये सिल्वर कार्प और ये बिकेट, तो सर अभी जो मौसम है इसमें क्या हो रहा है कि दोनों मछली ऊपर आकर के सांस ले रहा है सर, और वो ये ग्रास कार्प और रेहू कतला तो ठीक है लेकिन दोनों ये मर रहा है सर, कभी सिल्वर मर जाता है एक दो पीस तो कभी एक दो पीस बिकेट मर जा रहा है सर, हर दिन ये रीजन क्या हो रहा है हर दिन? हाँ सर करीब करीब हर दिन ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। आपने अपना पॉन्ड को लास्ट कब सुखाए थे? ये सर पिछले साल हम सुखाए थे पॉन्ड को, पिछले साल सुखाए। आपका तालाब में कीचड़ कितना है, ज्यादा है कीचड़? यस सर कीचड़ हमारे तालाब में है, 20 साल से तालाब मेरा डेट था सर और पिछले 3 साल। अच्छा समझ गया हूँ, अब मुझे दो चीज बोलिए, आप तालाब में चूना डालते हैं? हाँ सर चूना डालते हैं, 15 दिन में एक बार सर। कितना किलो चूना डालते हैं? 15 दिन 14 केजी डालते हैं सर, और तकरीबन करीब अभी उसकी गहराई करीब 12 फीट है, अगर पानी पूरा भर जाएगा मानसून आ जाएगा तो उसका डीप हो जाएगा सर 22 फीट। अच्छा आपका सिल्वर कार्प में घाव है जब सिल्वर कार्प को, अरे एक मिनट सिल्वर कार्प जब आप उठा रहे हैं? नहीं नहीं सर घाव घाव किसी में नहीं सर, घाव नहीं है, घाव नहीं है ना, घाव नहीं है अभी भी मछली, अभी मौसम ये जो हुआ है पूरा मछली पानी के ऊपर तैर रहा है सर अभी भी, और खास करके सिल्वर और विकेट। जो बारिश का मौसम होता है, बारिश सुन लीजिए, दो तीन चीज सुन लीजिए, बारिश का जब मौसम होता है ना, जब भी बारिश होगा, बारिश का मौसम मतलब आपका बादल रहेगा बारिश होगा, उस टाइम में ऑक्सीजन का घाटा होता है, ठीक है, बारिश के मौसम में ऑक्सीजन का घाटा होता है, तो बारिश के टाइम में आप थोड़ा सा पंप चला सकते हैं। अब अगर आपका जो कीचड़ है, कीचड़ को थोड़ा सा स्मेल करके देखिए, ज्यादा अगर स्मेल हो रहा है तो थोड़ा सा जियोलाइट, मार्केट में जियोलाइट बोल के एक चीज मिलता है, अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपका गैस हो रहा है नीचे पानी का, बॉटम में गैस फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप जियोलाइट यूज कर सकते हैं। ओके नोट कर लिए, वो भी मैं देखिए आपको जो मैं जो चीज आप कर सकते हो बोल रहा हूँ, आप किसी एक्सपर्ट को एक बार देखिए, नाम नोट कर लिए, जियोलाइट आप यूज कर सकते हैं, जियोलाइट। सर हमने जियोलाइट भी यूज किया सर, तभी भी हो रहा है, तो आप किसी को एक्सपर्ट को दिखा है? एक्सपर्ट को तो एक दो आदमी को दिखाए थे तो बोले कि ये नीचे का मिट्टी जो है वो चिपचिपा है, गाद जमा हुआ है, इसी वजह से ये हो रहा है। अब तो समझ में नहीं आ रहा है सर कि अब क्या करें हम, क्योंकि 250-300 ग्राम का मेरे पास ये सिल्वर कार्प और ये विकेट है, और जबकि रेहू कतला 1 केजी के आसपास का इस तालाब में है सर मेरे। अभी तो क्या ठीक है, अभी एक जो मैं चीज आपको बोल सकता हूँ, नेक्स्ट साल जब आप तालाब को जब भी सुखाएंगे तो ऊपर का कीचड़ आप 6 इंची निकाल दीजिएगा, पॉन्ड को सूखा के ऊपर का कीचड़ 6 इंच निकाल दीजिएगा, ठीक है, कीचड़ कीचड़ का प्रॉब्लम है आपका तालाब में, आप जैसे बोल रहे हैं कुछ भी डाल रहे हैं। चूना हम कितना दिन में यूज करें सर? हाँ चूना सब कुछ, चूना आपका सब कुछ ठीक है, पर जैसे आप बोल रहे हैं आपका कीचड़ बहुत ज्यादा है, तो आप नेक्स्ट साल जब भी तालाब सुखाएंगे तो ऊपर का जो मिट्टी है वो लगभग 6 इंच या 1 फीट निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो सर अभी इसका तत्काल क्या उपाय कर सकते हैं? इसका कोई उपाय नहीं है, दो दो मोटर इसमें चलाते हैं सर हम पूरा नाइट, और पानी का बदबू कट नहीं रहा है सर, पानी में बदबू आ ही रहा है। तो मतलब काफी जियोलाइट यूज किया है? जियोलाइट कितना यूज किया है? हाँ जियोलाइट सर हम 15 दिन में रिपीट किए थे सर, मतलब 25-25 केजी जियोलाइट को थोड़ा सा बालू के साथ मिला के कि डायरेक्ट दे दिए थे? नहीं उसको हम डायरेक्ट दिए थे सर, और एक आता है क्यू फॉर ऑल वाटर सैनिटाइजर, उसको सर हम बालू में भी डाल। हाँ हाँ सैनिटाइजर जैसे नहीं ठीक है, आपको अब सब कुछ कर रहे हैं, आपको बहुत खर्चा हो रहा है फिर भी सॉल्यूशन नहीं है, तो उसका एक ही आप चीज कर सकते हैं, मैं इतना दूर से जो बोल सकता हूँ, आप नेक्स्ट साल आपका जो पॉन्ड को सुखा के 1 फीट का कीचड़ निकालिए, इसे और कुछ नहीं, अभी सॉल्यूशन नहीं है उसपे, ठीक है। हम एक चीज पूछना चाह रहे थे सर कि चूना का डोज जो है हम क्या सप्ताह में कर सकते हैं, सप्ताह में दे दें, उससे कोई हानि नहीं? ऐसा नहीं,
अच्छा जब भी आप चूना दीजिएगा थोड़ा सा ज्यादा। अच्छा आपका और एक चीज आप ठीक है, अगर आपके पास कोई अवेलेबल होगा आपका जो सॉयल और वाटर का जो सैंपल है वो थोड़ा सा आपका ब्लॉक में दिखा के जो पीएच है एक बार देख लीजिए, पीएच पीएच कितना भी है। मेरा सर, पीएच भी मेरा सही है, अमोनिया भी 1.5 है सर, अमोनिया अमोनिया वन पॉइंट नाइट्राइड फाइव पे। मतलब थोड़ा सा ज्यादा है ना, हाँ सर, और अमोनिया तो थोड़ा नाइट्राइड सा, और नाइट्राइड दोनों सही है सर, नाइट्राइड और हाँ नाइट्राइड दोनों अमोनिया सही। 1.5 मतलब ज्यादा, मतलब आपका प्रॉब्लम सिर्फ कीचड़ का ही प्रॉब्लम है ठीक है। तो अमोनिया को कंट्रोल और किसी दूसरे रास्ते से नहीं कर सकते सर। नहीं अमोनिया का और दूसरा कैसे, आपका पॉन्ड में कीचड़ होगा तो। अच्छा आप और मतलब आप जैसे बोल रहे हैं तो आपका ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका जो तालाब है उससे दूसरा दूसरा नजदीक मतलब साइड से आपका पत्ता गिर रहा है, ये प्रॉब्लम भी आपका हो सकता है, ऐसा है हाँ हाँ क्या? सर, हाँ पत्ता गिरता है सर हमारे तालाब में। ये प्रॉब्लम होगा तो आपको तो थोड़ा सा चूना का डोज भी ज्यादा करना होगा और नेक्स्ट साल कीचड़ निकालना होगा ठीक है। नहीं, मेरा ये पूछने का तात्पर्य सर कि चूना का अगर डोज बढ़ाते हैं तो मछली पे कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा ना। चूना का डोज बहुत ज्यादा मत बढ़ाइए, पीएच के हिसाब से बढ़ाइए ठीक है, और ऐसा मतलब नहीं। पीएच 7 पॉइंट के आसपास रखें और चूना तब तक यूज करें तब तक जब तक कि 7 पॉइंट के आसपास मेरा पीएच रहे पानी का, हाँ और राइट सर। जिस दिन चूना देंगे उस दिन उसका नेक्स्ट दिन जाल टानिए ठीक है। जाल तो चूना को डालते ज्यादा हैं सर, बहुत हाँ जिस दिन चूना देंगे बहुत। उसका नेक्स्ट दिन जाल देंगे ठीक है। अच्छा नीचे का जो मिट्टी है सर उसको क्या हम खाना में बदल सकते हैं कुछ डाल नहीं करके, नहीं नहीं ऐसे मिट्टी हम को आप कैसे प्रोबायोटिक, खाना में बदलेंगे ठीक क्योंकि है, बहुत मिट्टी को आप सारा खाना में प्रोबायोटिक्स हम यूज किए थे सर, तो प्रोबायोटिक्स यूज देखिए, किए आप उसके कुछ बाद। भी देखिए आप प्रोबायोटिक यूज करेंगे जो भी यूज करें खर्चा ज्यादा होगा उतना लाभ उतना नहीं होगा ठीक नहीं है। सर, वो आप तो हम अगर अगर बोल कोई भी गए हैं। टेक आप कोई भी टेक्नीशियन के पास जाएंगे वो आपको दो चीज बोलेंगे, आप सैनिटाइजर यूज करिए, सैनिटाइजर में आपका आता है BKC होता है, आयोडीन होता है, सैनिटाइजर हर 30 डेज में सैनिटाइजर यूज करिए, उसके बाद आप प्रोबायोटिक यूज करिए जो बैक्टीरिया प्रोबायोटिक जो रोडोसिडोमोनस होता है। आप कुछ भी करिए आपका पॉन्ड का नीचे अगर कीचड़ रहेगा उतना इफेक्टिव कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका पैसा जाएगा ठीक है, एक बात आप ध्यान में रखिए। सर हमने एंटी एंटी फंगस सर एक दिनागा करके मतलब 2 1600 कुछ रुपए में देता था सर, वही हमने तो आप उसको क्या मैं आपका बात प्रोबायोटिक्स यूज पता किए। चल गया, आप जो भी टेक्नीशियन के पास जाते हैं वो आपको बोलेगा आप सैनिटाइज करिए कुछ भी करिए, आपका सॉल्यूशन उतना अच्छा नहीं होगा जैसा कि आप अगर पॉन्ड को सुखा के करेंगे तो। इसके बाद जो मछली होता है वो आपका पांगासियास, ये मछली बहुत जल्दी ग्रो करता है और ये बहुत ज्यादा खाना खाता है ठीक है, इसलिए रोहू कतला के साथ अगर इस स्पीसीज को आप डालेंगे तो इसका ग्रोथ अच्छा होगा, रोहू कतला का ग्रोथ कम हो जाएगा, तो आप पॉलीकल्चर में इस स्पीसीज को ना डालें, पंगस को आप उस पॉन्ड में डालें जहां की आपका गहराई 6 से 7 फीट है और ठीक है 6 फीट तक गहराई, बहुत ज्यादा गहराई नहीं 6 फीट गहराई है उस पॉन्ड में, आप 10,000 मतलब 1 मीटर स्क्वायर में एक के नंबर से आप छोड़िए तो लगभग ये आपका 1 साल में 2.5 किलो 3 किलो तक इसका ग्रोथ होता है, इसका आप मोनोकल्चर करिए ओके। कबई जो मछली है, कबई मछली है आपका बायोफ्लॉक के लिए बहुत अच्छा है ठीक है, इसका आप अगर आपके पास छोटा सिंगी मागुर के जैसे छोटा तालाब है तो आप कबई का कल्चर कर सकते हैं, कबई का स्टॉकिंग नर्सरी भी एक एक हेक्टेयर में 50,000 ठीक है, और कबई कल्चर करने के लिए आपको पॉन्ड को कवर करके रखना होगा नहीं तो आपका कबई निकल के दूसरे पॉइंट में चला जाएगा ओके। उसके बाद आ जाता है आपका तिलापिया, तिलापिया आप पॉलीकल्चर में रोहू कतला के साथ कर सकते हैं, पर तिलापिया अपने आप तालाब में बच्चा देता है ठीक है, इसलिए तिलापिया। क्लियर हाँ सर, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं खगड़िया जिला से संबंधित हूँ और मेरे पास यहाँ पे मोइन है, मोइन ज्यादा है हमारे पास, तालाब कम है, मैं स्वयं समिति का संचालक हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो मोइन में बिकेट मिलने बिकेट और कॉमन कार्प ये हाँ पारिस्थितिकी तालाब की पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक है या लाभकारी है? बिगेड और ये तो कॉमन कार्प तो ठीक है, पर आप देसी मछली उसके साथ डालिए ठीक है।
नहीं नहीं देसी मछली का मैं कल्चर कर रहा हूँ, मैं साल भर में लमसम किलो डेढ़ किलो का उत्पादन भी कर लेता हूँ। लेकिन विगत मैंने एक बार क्या हुआ कि बंगाल से मैं बीज मंगाता हूँ, तो मैंने देखा तीन हाफा में मछलियों को रखा, एक देसी मछली का हाफा अलग लगाया और फिर बिगहेड का अलग लगवाया और कॉमन कार्प का अलग लगवाया। तो मैं देखा क्या कि तीनों को सेम टाइम रखते हैं तो बिग हेड के हाफा में हमको ज्यादा गंदगी मिला। बिग हेड का हाफा बहुत ज्यादा गंदा था, कॉमन कार्प का हाफा थोड़ा सा कम गंदा था और देसी मछली का हाफा में कोई भी प्रकार का गंदगी नहीं था। तो क्या इस प्रकार की गंदगी का जो उत्सर्जन होता है तालाब में डालने के बाद भी बाद मछलियां उतना ही मतलब गंदा करती होगी? क्या ये पारिस्थितिकी तालाब की पारिस्थितिकी के लिए खतरा है या नहीं? जैसे कि आप बोल रहे हैं, देखिए इसका एक कारण ये भी हो सकता है, अगर आप जहां से सीड साइज का सीड लाए हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। हम लोग ऑलवेज बोलते हैं, ठीक है, आप एक चीज आज से ध्यान में रखिए, अब सिल्वर कार्प और बिगेट कार्प दोनों सेम स्पीसीज है, दूसरे जेनस सेम है, स्पीसीज अलग है, एक का हेड थोड़ा सा बड़ा होता है, एक का हेड बॉडी के हिसाब से ठीक होता है, ठीक है जी। आप सिल्वर और बिगेट को बहुत, अगर आपको नहीं, आपको मतलब वो प्रयोजन ज्यादा नहीं है तो उसका मत डालिए, ठीक है जी, सिल्वर और बिगेट को बहुत, अगर आपको चाहिए कि ठीक है आप मेरा तालाब में बहुत सारा स्पीसीज मैं रखना चाहता हूँ तो आप एक हेक्टेयर में 100 रखिए, वो काफी होता है जी। ठीक है, आप कभी भी आपका मछली को स्टॉक करेंगे तालाब में तो आप मछली को देख लीजिए, जो मछलियां बाहर से ला रहे हैं उसका स्वास्थ्य ठीक है, उसका कलर ठीक है, और अगर आप एक फिंगरलिंग ला रहे हैं दूसरे जगह से तो फिंगरलिंग को शोधन करने के लिए 1 ppm, एक चीज हम लोग बोलते हैं ppm, 1 ppm मतलब 1 ppm 1 gram per liter, ठीक है 1 gram per liter आप पोटेशियम परमैंगनेट में, सपोज आपका एक, आप बाहर से मछली लाए तो एक हापा बनाइए, उस हापे में 5 to 10 gram पोटेशियम परमैंगनेट के घोलिए हापा में ही, उसमें मछली को छोड़िए 20 सेकंड तक रखिए, उसके बाद मछली को आपका तालाब में छोड़िए। उससे क्या होता है, जो अगर मछली का कुछ घाव वगैरह रहता है, किसी रोग का कुछ रहता है दूसरे पॉइंट से आने से, वो शोधन हो जाता है। ठीक है, अभी भी आप मछली लाएंगे तो देख लीजिए स्वस्थ मछली है, उसका नेचुरल कलर है, उसमें कुछ घाव वगैरह नहीं है। ठीक है, बाहर से अगर छोटा मछली ला रहे हैं जैसे जीरा ला रहे हैं तो उसको तुरंत ही लाने से आपका पॉन्ड में मत छोड़ दीजिए, जिस बैग में आ रहे हैं उस बैग में आप 20 से 25 मिनट ऐसे ही पॉन्ड में छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, जो बाहर का टेम्परेचर है और पानी का जो टेम्परेचर है दोनों समान हो जाएगा, तो मछली का तकलीफ ज्यादा नहीं होगा। सपोज जैसे हम अगर एक नॉर्मल जगह से हम लोग को 10 degree और अगर 0 degree centigrade का जगह में छोड़ देंगे तो आपको शॉक लगता है ना, तबीयत खराब हो जाता है। सेम मछली को अगर गर्म जगह से कि ठंडा जगह से गर्म जगह में डाल देंगे तो थोड़ा सा शॉक होता है, इसलिए एक्लिमेटाइज करने के लिए 20 से 25 मिनट उसको रखिए। छोटा मछली का अगर जीरा छोड़ रहे हैं तो उसको पोटेशियम परमैंगनेट में शोधन ना करिए, अगर आप फिंगरलिंग करेंगे तो शोधन करना है, अगर आप छोटा मछली कर रहे हैं जैसे एकदम जीरा साइज का मछली छोड़ रहे हैं तो उसको शोधन मत करिए, नहीं तो शोधन करने से मछली मर जाएगा। कैटफिश अगर आप डाल रहे हैं तो कैटफिश का भी आप शोधन अगर करेंगे तो बहुत कम डोज में, नहीं तो नहीं करिए, क्योंकि कैटफिश में अगर कोई घाव रहेगा और केमनोफोर देंगे तो मछली मरने का चांसेस रहता है। ठीक है, यह है, जैसे आप छोटा जीरा रखेंगे तो आप ऐसे पॉली बैग को रखेंगे, फिर 20 मिनट के बाद मुंह को खोल दीजिएगा। ओके, ये नोट कर लीजिए, थोड़ा सा नोट कर सकते हैं, ये मैं पहले ही बोल दिया हूँ, अगर फिंगरलिंग स्टॉक करेंगे तो 1 hectare में 8 to 10 thousand, अगर स्पॉन छोड़ेंगे तो 3 to 5 million मतलब 30 to 50 lakh, फ्राई छोड़ेंगे तो 2 to 3 lakh। ठीक है, ये जो बहुत सारा स्पीसीज का जो कॉम्बिनेशन है किसको कितना छोड़ना है उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। आज का क्लास को यहाँ पे खत्म करता हूँ, अगर आपके पास और भी सारा क्वेश्चन है तो लास्ट दिन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।